भाई एक वर्ड बहुत वायरल हो रहा है, अनपढ़। भाई अगर हमसे कोई अनपढ़ बोल दे तो लड़ाई पक्की हुई रखी है। लेकिन भाई एक लड़की है जो एयर होस्टेस जैसी दिखती है लेकिन अपने आप को अनपढ़ बताकर मोमोज बेच रही है INA मार्केट में। तो चलते हैं लड़की से बात करते हैं, भाई क्या रीजन रहा, इन्होंने अनपढ़ लिखा, वास्तव में ये अनपढ़ है या फिर भाई हमें तो लग रहा है एयर होस्टेस में होनी चाहिए थी। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्मारिका तिवारी है। हम देख के आए, आपने कार्ड पर लिख रखा अनपढ़ मोमोज वाली, हमें तो आप एयर होस्टेस में जाने वाली लग रही है, क्या चक्कर है? भैया मुझे एयर होस्टेस में नहीं जाना, मोमोज बेचना है। अच्छा, मोमोज बेचना है, अपना बिजनेस खड़ा करना है। हाँ जी। क्या वास्तव में आप अनपढ़ हो? वास्तव में नहीं हूँ, बाकी सारे को नाम दिया है लोगों ने, पर अनपढ़ को नाम नहीं दिया, तो मैंने इसलिए कुछ यूनिक सा ढूंढ के रखा। अच्छा, आपने ऐसे सोचा कि अनपढ़ नाम रख लूँ तो कुछ लोग अनपढ़ है उनको थोड़ी इज्जत मिल जाएगी? बिल्कुल इज्जत मिलनी चाहिए, कोई रीजन की वजह से कोई अनपढ़ रह सकता है? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों, पढ़े लिखे इंसान अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं होता, अनपढ़ भी अच्छे होते हैं। अच्छा, लोग जैसे आज के दौर में अगर किसी को अनपढ़ बोल दे तो लड़ाई पक्की हुई रखी है, सही बात है? वो तो है भाई, है ना। और आपने यहाँ पर भाई अनपढ़ शब्द लिखकर लोगों को बताया है कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में वैसे कोई फर्क नहीं है, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कितना टाइम हो गया अभी करते हुए? अभी मेरे को 3 महीने हो गया है। 3 महीने? तो हमने देखा आप बहुत दूर से आई थी, कितनी दूर से आती हूँ आप? बहुत हार्ड वर्क कर रही थी। यही पास से आती हूँ, दूर से नहीं आती। पास से तो नहीं आती, आप ऑटो में सारा सामान लेके आई? भैया आप जब सामान होता है तो ऑटो में आना पड़ेगा। वैसे कौन कौन से मोमोज रखते हैं आप? जैसे अनपढ़ के नाम से लोग आएंगे तो सोचेंगे यार क्या अनपढ़ मोमोज बेचेगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, तो आप मोमोज के बारे में बताओ, अपनी मोमोज कौन कौन सी है? भैया वो तो आप खा के बता सकते हैं। अच्छा, पहले बताओ तो सही कौन कौन सी वेरायटी है? वेज पनीर और चिकन। वेज नॉन वेज भी रखती है? हाँ जी, नॉन वेज भी रहता है। ये नॉन वेज ये अलग कैसे कर रखा आपने? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो नॉन वेज नहीं खाते, जिनको प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए। तो इसमें तो आपने नाम कमा लिया, अनपढ़ नाम रख के पढ़े लिखों का काम कर दिया, दोनों अलग अलग कर दिए भाई, वेज और नॉन वेज। तो हम टेस्ट करते हैं अनपढ़ मोमोज कैसे होंगे, पढ़े लिखों से आगे निकलते हैं या फिर अनपढ़ ही रह जाते हैं। तो कौन से खिलाओगी बताओ? आप जो खाए भैया। वेज मोमोज खिला दो। कितना लगाओ? एक प्लेट लगा दो वेज, 20-25 का होगा ना? कितने का एक प्लेट? 100 का। 100 का? ओए होए भाई, ये तो सिस्टम फाड़ देंगी बिल्कुल, 100 का कर दिया भाई एक प्लेट पूरा। कितने पीस आएंगे? कर नहीं दिया, स्टार्टिंग से ही 100 का है। अच्छा अच्छा, कितने पीस आएंगे? 12 पीस आएंगे। 12 पीस, पेट भर जाएगा फुल? बिल्कुल। क्या बात है भाई, पहली बार ट्राई कर रहा है भाई अनपढ़ मोमोज। चटनी भी भाई खतरनाक है एकदम, देखिए भाई कौन सी चटनी है ये वाली? ये मेरी स्पेशल चटनी है। स्पेशल? और ये वाली? ये वाली वैसी नॉर्मल चटनी। नॉर्मल। भाई ट्राई करते हैं अनपढ़ मोमोज, फिर बताएंगे आपको वास्तव में ये अनपढ़ है या पढ़े लिखे मोमोज है। बस इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, पता नहीं इन्होंने करी है या कार्ट वाले ने कर रही है, W की जगह भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो समझ में आएगा अनपढ़, सही बात है बिल्कुल। तो मैम आपके मोमोज ट्राई कर लिए, कैसा लगा आपको? मोमोज की तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पर भाई चटनी एकदम आग लगा दी, क्या क्या राज है चटनी का, इतनी टेस्टी बनाई है आपने कि पूछो मत। ये बताने वाली राज नहीं है, चटनी का तो बताना पड़ेगा आपको। राज बताऊंगी तो मैं बिजनेस कहाँ से करूंगी। दिखा दो एक बार चटनी। दिखा दो। ये वाली है स्पेशल? हाँ जी। ओए होए होए, जैसे कोई ट्राई करना चाहे तो कहाँ पे आना पड़ेगा? कश्मीरी मार्केट INA विकास सदन की तरफ आना पड़ेगा। क्या बात है, आपसे मिलकर हमें बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।